रिलेटिव वो जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी वो कर दी गई और इस वक्त के खिलाफ राष्ट्रीय जनता की बात करें इस्तेमाल जो है वो इस वक्त राष्ट्रीय जनता के बारे में कहा है भाई इतना पीछे कहीं भी शांति वो नहीं करना चाहता है। ये पूरे विश्व में नंगा हो चुका है। इसकी हरकतें कैसी हैं सभी को मालूम है। ये कई बार जो है पीठ पे छुरा गोपा इसने भारत ने कई बार पहल की, लेकिन उसके बाद आप सीजफायर देखिए ना, कल भी इसने सीजफायर का उल्लंघन किया है, जबकि 3 महीने से इसने पहले उनका समझौता हुआ था सीजफायर का, लेकिन फिर उल्लंघन किया। तो इसलिए पाकिस्तान जो है पहले कह चुका हूँ, यह कुत्ते की पूछ है, यह सीधी होने वाली नहीं है, यह केवल जूतों की भाषा समझता है। इसको जूते चाहिए, हमारी सेना जूते मारने में सक्षम है, इसलिए सेना को फ्री हैंड दिया जाए। मैं कहता हूँ कि हमारे दिल्ली से डिफेंस मिनिस्टर साहब सेना को 24 घंटे का समय देना, तब तक यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। राकेश जी आप कहाँ? मैं बता दूं आपको, एक समुदाय में ना तो वहाँ बिजनेस करने दिए जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम कश्मीरियों को वहाँ पर दोबारा से पुणे बसाएंगे। इस प्रकार से कश्मीरी पंडित क्या बसेंगे वहाँ पर? हर किसी को अपनी जान की जान जो है वो प्यारी है, तो जब जीते हुए नुमाइंदे सेफ नहीं है तो आम व्यक्ति की कौन गारंटी? राकेश जी आपको लगता नहीं कि हो रहा है? एक बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा होता है, हर बार पाकिस्तान को मुट्ठी खानी पड़ती है और हर बार ये कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान हर बार पाकिस्तान को जूते पड़ते हैं, पूरे विश्व के देश जो है उसको जूते मार रहे हैं, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। एक देश जो है वो उसको फंडिंग कर रहा है, सारा उसको समर्थन करता है, वो चाइना। भारत ने चाइना के साथ रिश्ते खराब किए, मतलब उसको जो है भी उसने चाइना ने जो हमारे देश का सीखा, हमारे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी से अपील की सरकार से और उन्होंने उनके साथ जो है व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए, लोग खुश हुए। लेकिन वो अब दूसरे तरीके से आ गया, वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है, पाकिस्तान आतंकवादी इधर भेजता है। हिंदुस्तान के इंसानियत के नाते की उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे देश को कहीं भी इंसानियत की भी वो नहीं होनी चाहिए इस ऐसे देश को, क्योंकि वहाँ के लोग भी, कभी आप उनके लोगों की भाषा सुनेंगे ना मीडिया में तो आपको पता चलेगा वो लोग भी इंसानियत के लायक नहीं है। इसलिए उन लोगों को केवल जूते बम चाहिए, उनको हमारी सेना के बम चाहिए केवल उनको, और वो बम मिलने चाहिए। राकेश जी आप देश के अंदर भी जो देखिए कुछ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अंदर की लड़ाई लड़ती हैं, जो छद्म युद्ध होता है, जो गृह युद्ध होता है, ये वो उन गृह युद्ध में आते हैं, उन लोगों को ढूंढ के उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना, ये हमारी पुलिस का काम है और पुलिस को ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों को जो है वो काबू करना चाहिए जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। इसलिए उन लोगों को पहले जो है वो पकड़ा जाए और उनको फांसी के ऊपर सरेआम चढ़ाया जाए, क्योंकि देश का गद्दार जो है वो उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाना नहीं चाहिए। बहुत बार देखा है पॉलिसी गलत है। जिस व्यक्ति ने हमारी सेना के जवान शहीद किए, जिस व्यक्ति ने हमारे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान शहीद किए, जिस व्यक्ति ने हमारे देशभक्त लोगों को मारा है, उन लोगों को कैसी सरेंडर पॉलिसी? उन लोगों को तो केवल गोली चाहिए, उन लोगों को गोली मिलनी चाहिए, कहीं सरेंडर पॉलिसी नहीं। क्या बाबू बना के उनको रखा है यहाँ पर देश के अंदर? क्या दोबारा से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं ये लोग? मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, आंकड़े भी बता सकता हूँ कि कई लोगों ने जो सरेंडर किया और कुछ वर्षों के बाद वो दोबारा आतंकवादी बने, तो क्या ये सरेंडर पॉलिसी गलत नहीं हुई कि दोबारा से उनको आतंकवादी बना दिया गया? तो वो खुद बने, लेकिन प्रशासन को चाहिए उनको मार ही देना चाहिए जिसने ये लोग जो है जो देश के खिलाफ मतलब युद्ध छेड़े हुए, देश के खिलाफ जो देशद्रोही है, इनको केवल गोली गोली के अलावा कुछ नहीं।